Good morning to all you wonderful people out there. Myself, CA Shivangi Agrawal, और मैं आपके लिए आज कुछ छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और आके पूछते हैं, मैम लॉ कैसे पढ़ें, इसमें मार्क्स नहीं मिलते, कैसे हमको अपनी मर्जी के मार्क्स मिल सकते हैं. सी माय डियर, अपनी मर्जी से तो आज की डेट में जीमेल का यूजर नेम भी नहीं मिलता है, तो मार्क्स तो बहुत दूर की बात है. इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट. और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज थियोरेटिकल, बट इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है. तो लॉ में क्या होता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, और अगर पढ़ भी लिया तो समझ नहीं आता है लिखें कैसे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का जो हमारा डिस्कशन है इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, हाउ टू स्टडी एंड how to write or present paper. ये आपका कोई भी लॉ का पेपर हो सकता है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का हो सकता है, बी एच सी ए सी एस सी एम ए एल एल बी कुछ भी. बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉ एज अ सब्जेक्ट की. अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें लॉ पढ़ना कैसे चाहिए. लॉ पढ़ने के लिए, जैसे लॉ में अगर कोई भी आप बेयर एक्ट की बात करो, नाउ व्हाट इज बेयर एक्ट, लेजिस्लेशन में जो पास हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं. कोई एक लॉ आया, एक बिल आया, लेजिस्लेशन में पास हो गया, तो वो क्या बन जाता है, एक एक्ट. नाउ एक्ट हैज चैप्टर्स. चैप्टर्स में क्या होते हैं, सेक्शंस. सेक्शंस में क्या होते हैं, सब सेक्शंस. सब सेक्शंस में क्या होते हैं, पैराग्राफ्स. पैरा में क्या होते हैं, सब पैरा. सब पैरा में क्या होते हैं, क्लॉजेस. क्लॉजेस में होते हैं सब क्लॉज. और इतनी चीजें देख के हम ही इसमें क्या होते हैं, डूब जाते हैं. सो आपके लिए क्या ये सब चीजें रेलिवेंट हैं. Now, as a professional, I would advise कि देखो, बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो maybe law pursue कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके curriculum का part है, but they don't know कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है. वो they read as section 2B, या अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, section 2A. कुछ कुछ तो ये तक सोच लेंगे ये सेक्शन टू होगा, ये क्या होगा, सब सेक्शन ए होगा. बट ऐसा नहीं है. जब भी आपको ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है, इट इज एन एमेंडेड सेक्शन. बाद में कहीं कोई लेटर अमेंडमेंट आया होगा, राइट. इतनी सारी चीजें अगर दी हुई हैं तो इनका भी कोई मतलब है. और एक प्रोफेशनल को अगर आपको बेयर एक्ट पढ़नी ना आए तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं. So forget about examination. As a professional, आपके लिए जितना जरूरी है लॉ को समझना उतना ही जरूरी है इसका इंटरप्रिटेशन. लॉ को याद करना है, लॉ को समझना है, लॉ को इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद फाइनली लॉ को प्रेजेंट करना है या लिखना है. एग्जामिनेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो व्हेन वी स्टार्ट आवर स्टडी, जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. पहले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है. और दूसरे क्या होते हैं, जिन्होंने क्लासेस लिए हुए हैं. दोनों के साथ प्रॉब्लम यही आती है, क्लासेस तो ले लिए, अब क्या करें, एग्जाम के टाइम क्या लिखें, कैसे लिखें. ऑफ कोर्स दे गेट गाइडेंस, बट स्टिल कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है. सो इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, सबसे पहली बात, रिफर वन बुक.
ओनली वन बुक. आप चार किताबें लेके मत बैठो, ऑल यू विल एंड अप इज टू कंफ्यूजन, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा. तो क्या करना है, सिर्फ एक बुक रेफर करनी है एंड दैट टू अ सिंपल वन. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक मत लेके आओ. सेकेंडली, जैसे ही आपको प्रोविजन मिलता है, जैसे ही आपको कोई प्रोविजन मिलता है या कोई लाइन मिलती है, से फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट सेक्शन 2B, सेक्शन 2 क्लॉज बी. अब सेक्शन 2B में क्या है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. Continuous service for 1 year. बहुत ही छोटी सी example मैंने ली है so that I can make you understand. बस इतना सा है provision. अब ये आपको अगर खुद से पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे? The very first thing that you are going to do is read it aloud. इसको सिर्फ पढ़ो. कुछ समझ में आए या ना आए, क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है एंड यू हैव टू रीड इट अलाउड ताकि आपको सुनाई दे. देखो, एक डिफरेंस होता है वीडियो ऑडियो और जिसको हम बोलते हैं ऑडियो वीडियो, दैट इज AV. क्या इंपैक्ट पड़ता है AV का आपके ऊपर? आप क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो. जैसे मूवीज हम क्या करते हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो याद रह जाती हैं. और अगर किताब खोल के बैठ गए और बस उसको देख रहे हैं तो क्या होगा, आधे घंटे में नींद आ जाएगी और सो जाएंगे. तो इसके लिए क्या जरूरी है, जब भी हम कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको क्या करें, रीड इट अलाउड. सबसे पहली चीज आपने क्या की, एंड दैट टू ट्वाइस, एटलीस्ट दो बार इसको जोर जोर से पढ़ लो, कुछ समझ आए या ना आए. सेकेंड, इसको एक बार लिखो. अब लिखने से क्या होगा मैम, हम क्या कर रहे हैं, देख के लिख ही तो रहे हैं. लिखने से दो काम होते हैं, एक तो जब आप लिखते हो तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाता है, और सेकेंडली आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं. डिटेल नोट्स, ठीक है. तो पहला आपने क्या किया, जोर जोर से पढ़ा, दूसरा लिखा. अब क्या करें, अब इसको तोड़ दो पार्ट्स में. जितनी बड़ी डेफिनेशन उसको क्या करो, पार्ट्स में तोड़ दो, और उन पार्ट्स को इंटरप्रेट करो या उन पार्ट्स का मीनिंग समझने की कोशिश करो. अब यहां क्या है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर. अब कंटिन्यूस सर्विस क्या है, फॉर 1 ईयर, ये तो हमें समझ में आ रहा है, एक साल के लिए. कंटिन्यूस सर्विस मतलब, तो अगेन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सर्विस इज अगेन डिफाइंड, सेक्शन है उसका, मीनिंग है उसका, एक साल तक. बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, बट इसको भी क्या किया, हमने एक फ्लो चार्ट की तरह या एक चार्ट की तरह, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरह बना दिया. और इसमें हमने और क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया, कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है, क्योंकि कंटिन्यूस सर्विस का मतलब इस सेक्शन में हमको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं और ये लिखा हुआ है. तो वो कहाँ लिखा है, उसका क्या मतलब है, That means अगर हम बात करें completed year of service तो वो क्या होगी, ये जो इस section में defined है उसका meaning for 1 year, right? अगर आप self study कर रहे हो, आपको ये सब कुछ नहीं पता है, but आपने क्या किया, तोड़ तोड़ के उसको कहीं ना कहीं से जोड़ लिया and आपने उसका एक meaning निकाल लिया. ये मीनिंग आपको बुक्स में मिल भी सकता है, एंड अगर आपने कहीं से क्लासेस किए हैं तो क्या है, आपको ऑलरेडी वो इंटरप्रिटेशन बता दिया गया है, समझा दिया गया है.
सो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. नाउ दैट यू हैव दैट एक्सप्लेनेशन विद यू, अब आपके पास क्या है, एक्सप्लेनेशन है, सारा मीनिंग है, अब क्या करें मैम. एक्सप्लेनेशन है, एक डिटेल नोट्स हमने बना लिए. जब आपने ये चार्ट बनाया तो इस चार्ट को आपने नोट किया समरी नोट्स में, तो एक चीज आपने लिखी अपने डिटेल नोट्स में, दूसरी चीज आपने लिखी अपने समरी नोट्स में, तीसरी चीज आपने बनाई लिस्ट ऑफ सेक्शंस. तो यहां पे आपने सेक्शन नंबर लिखा और यहां पे नेम लिखा, सेक्शन नंबर और उसकी हेडिंग, राइट. तीन चीजें आपने दो लाइन पढ़ के लिख ली, लिखी होंगी तो कुछ दिमाग में गया. अब बात आती है इसको याद करने की. अब याद करने के लिए कैसे याद करें, देखो या तो आप रीड कर करके याद करते रहो, और यू कैन फ्रेम सम मेमोरी टेक्निक्स. कुछ मेमोरी टेक्निक्स आपको कहीं पे भी अगर गाइडेंस मिली है तो बताई जाती हैं, और आप अपनी मेमोरी टेक्निक्स भी बहुत आराम से फ्रेम कर सकते हो. तो आपने क्या की, मेमोरी टेक्निक्स फ्रेम की और इसको याद कर लिया. सबसे पहले उसको पढ़ा, लिखा, इंटरप्रेट किया या मीनिंग निकाला, बुक पढ़ के अपने आप से तोड़ तोड़ के समझ के उसको तीन जगह लिखा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसको तीन जगह लिखा एंड फाइनली उसको हमने याद कर लिया. इसके बाद क्या करें, जब हम इसको पढ़ते हैं या लिखते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स जो प्रोविजंस में इंपॉर्टेंट होते हैं. कीवर्ड्स एज इन, हमें लगा अगर हम ये वन ईयर हटा दें तो क्या इस प्रोविजन का पूरा मतलब चला जाएगा, क्या इस पूरे प्रोविजन का मतलब चला जाएगा. तो हमने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया. सो हाईलाइट कीवर्ड्स. और इतनी देर में आप देखोगे कि आपको प्रोविजन याद हो चुका होगा. अगर आप इतना एनालाइज कर लोगे, इतना इंटरप्रेट कर लोगे, इस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना लोगे जहां पे आप दूसरे सेक्शंस को भी लिंक कर पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर राइटिंग और प्रेजेंटिंग एज एन एक्सपर्ट. आप खुद बता रहे हो अच्छा ये यहां लिखा है. जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी सेक्शन के अंदर सेक्शन लिखा होता है कोई दूसरा सेक्शन, तो उस समय उसको छोड़ो मत, उस समय उस सेक्शन पे जाके उसकी बात को यहां पे लिख लो, राइट. तो जब हम इतना काम कर लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली चीजें उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं. अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो रिटेन नहीं होती है, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, हम भूल गए. तो इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिविजन का. देखो बहुत ज़्यादा मैं पढ़ने की एडवाइस नहीं करती हूँ, सिंपल सी बात है. अगर आपने कहीं क्लास लिया है तो जिस दिन क्लास लेके आए पहला रिविजन सेम डे, बस जो पढ़ के आए आके पढ़ लो. या आज सुबह आपने खुद से पढ़ा ना, तो शाम होते होते एक बार उसको रिवाइज कर लो, ठीक है. सेम डे जब क्लास हुआ, फिर When class ends, ये हो गया पहला revision. When chapter ends, ये हो गया दूसरा revision. जब आपका chapter पूरा खत्म हुआ, वापस से हमने पूरा chapter क्या किया, recall कर लिया या revise कर लिया. And third, when subject ends, जब आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया तब आपने क्या किया, उसको एक बार रिकॉल कर लिया. इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हो वैसे आप एग्जाम प्रिपरेशन करो, और उसके बाद क्या करना है, डे बिफोर एग्जाम एक प्रोविजन पढ़ा. दिन में कितना समय लगा उसको रिकॉल करने में, मान लो पांच प्रोविजन भी पढ़े तो कितना समय लगा रिकॉल करने में, सिर्फ 10 मिनट. एक चैप्टर को रिकॉल करने में आधा घंटा, एक घंटा. एक सब्जेक्ट को रिकॉल करने में
एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितना समय लग गया पूरे आपके रिवीजन में एक सब्जेक्ट के? एक हफ्ता, इफ आई से इवन दो हफ्ते, तो भी क्या बुरा है? पर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा उस सब्जेक्ट पे या उन प्रोविजंस पे. देखो, हमारे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, इमिडिएटली जो चीजें हमने याद की हैं वो भूलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. बट अगर एक बार भी उसको रिकॉल कर लिया ना तुरंत, तो फिर वो दिमाग में रह जाती है. तो इमिडिएट जो रिविजन, जो ये पहला रिविजन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है. इसको कभी भी ओवरलुक नहीं करो. आपको लगेगा कि आज ही तो पढ़ा था, सब याद है, पर आप भूल जाओगे. तो क्या जरूरी है? तुरंत उसको रिवाइज करना. इज इट क्लियर? तो अब क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी. अब आपके पास क्या क्या चीजें तैयार हैं? एक डिटेल्ड नोट्स, एक समरी नोट्स, एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस. लॉ में एक चीज और आती है, दैट इज नोन एज केस लॉज. अब देखो, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, केस लॉज और केस स्टडी. मैम सेम ही तो है, केस लॉज एंड केस स्टडी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. केस लॉ मतलब क्या है? दीज आर जुडिशियल रूलिंग्स, या फिर यू कैन से लेजिस्लेशन या लॉ मेड बाय कोर्ट्स डिसीजन. कोर्ट में कोई फैसला सुनाया गया जो कि कानून बन गया, वो क्या है? केस लॉ है, या कोर्ट रूलिंग या जुडिशियल रूलिंग है. अब बहुत जगह आप देखोगे कि केस लॉ हमें क्या करना है ये एक्ट बताती है, कुछ रूल्स बताते हैं और कुछ जुडिशियल रूलिंग्स बताती हैं, राइट? एक्ट की तो आपने लिस्ट बना ली, जुडिशियल रूलिंग्स का क्या? वी हैव अ लॉट ऑफ केस लॉज, हर सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे. तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम प्रोविजन पढ़ते हैं, जो हमने ये लिस्ट बनाई, हमको एक लिस्ट और बनानी है. और वो क्या है? लिस्ट ऑफ केस लॉज. अब देखो, जब आपका पूरा चैप्टर एंड हुआ या पूरा सब्जेक्ट एंड हुआ, तो आपके पास चार चीजें हैंडी हैं, और इन दो हैंडी चीजों को आपको डेली बेसिस पे आते जाते देख लेना है. ये क्या करो, आप कहीं ना कहीं अपने रूम में स्टिक कर दो, लिस्ट ऑफ सेक्शंस, लिस्ट ऑफ केस लॉज. केस लॉज आप कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, सैल्मन वर्सेस सैल्मन. कुछ और आया, उसका केस लॉ. अब क्या होगा, आते जाते या सोते हुए या ब्रश करते हुए, कोई भी आप डेली कोर्स कर रहे हो, आपकी नजर चली गई एक बार तो दिमाग में फीच हुआ, हमने देखा ना, दिन में अगर 10 बार देख लेंगे तो याद हो ही जाएगा. तो बहुत ज्यादा रिविजन की इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये दो चीजें, लिस्ट ऑफ सेक्शंस एंड लिस्ट ऑफ केस लॉज, आपको क्या करनी है, कहीं अच्छे चार्ट पेपर पे बना के अपने रूम में स्टिक कर लेनी है. और बाकी ये दो नोट्स क्या हैं, आपके पास हैंडी रहेंगे व्हेनेवर यू वांट टू रीड. कभी ऐसे रात में नींद ना आए तो स्टोरी बुक समझ के खोल के पढ़ लेना. नाउ ये तो बात हुई हमारी पढ़ाई की, कि कैसे पढ़ाई की जाए. अब देखो, जिसने क्लासेस लिए हैं या जिसके पास गाइडेंस है, उसके लिए ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं. इंटरप्रिटेशन उसको करना नहीं है, मीनिंग ऑलरेडी मिल गया है, डिटेल नोट्स हैं उसके पास, समरी नोट्स हैं उसके पास, लिस्ट ऑफ सेक्शंस क्लास में बनते जाते हैं, लिस्ट ऑफ केस लॉज क्लास में बनते जाते हैं. क्लास में पढ़ लिया, जाके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिविजन करना है.
राइट, तो रिवीजन करने के बाद, सब याद करने के बाद, अब प्रॉब्लम क्या आती है? हाउ टू प्रेजेंट. प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजें पूछी जाती हैं लॉ के एग्जाम में. पहला, डायरेक्ट क्वेश्चंस, एंड सेकेंडली केस स्टडी. केस लॉ क्या होता है? जुडिशियल रूलिंग्स. एंड केस स्टडी सिचुएशन. एक सिचुएशन आपको दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि क्या करेक्ट मेथड होगा या क्या आप एडवाइस करते हो कि उनको करना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडी. पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की. डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या? सिंपली पूछ लिया गया कि प्रोविजन क्या कहता है, या इसका मतलब क्या है, या डिफाइन दिस, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस. डायरेक्ट क्वेश्चंस. इसमें आपको क्या करना है? इसको आंसर करना तो बहुत सिंपल है. अकॉर्डिंग टू सच एंड सच एक्ट, ए हमेशा कैपिटल होगा, और सेक्शन ऑफ सच एंड सच एक्ट जो आपका प्रोविजन है. ठीक है, ट्राई टू राइट इट वेरी क्लियरली. ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ में आप उसको भर दो, अच्छे से पॉइंट्स में लिखो. ठीक है, ऐसा आपने कई जगह सुना होगा कि पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहिए, आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एग्जामिनर को दिखना चाहिए आपने क्या लिखा है. एंड स्पेशली अगर इफ यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग, तब तो स्पेशली पॉइंट्स में लिखो. ठीक है, तो जितने भी आपके प्रोविजन है वो सारे लिख दिए. चार नंबर का क्वेश्चन है. सेक्शन आपने कोट किया, एक्ट आपने कोट की, प्रोविजन सही लिखा, फुल फोर मार्क्स. बट सेक्शन, सब सेक्शन, मैम सेक्शन तो याद है, सब सेक्शन भूल गए. मत लिखो, गलत मत लिखो. सेक्शन याद है, सिर्फ सेक्शन लिखो. सेक्शन नहीं याद है, सिर्फ एक्ट का नाम लिखो, बट गलत मत लिखो. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट इम्पेयर द लैंग्वेज ऑफ लॉ. बचपन से आपने सुना होगा कि क्या बोला जाता था, कि पढ़ लो, समझ लो और अपने शब्दों में लिख दो. अब ये नहीं चलेगा. लॉ में आप अपने शब्द यूज नहीं करोगे. यस, गेट दैट वेरी स्ट्रेट. लॉ में आप अपने शब्द यूज नहीं करोगे, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग डेफिनेशंस. अगर आप बोल रहे हो एक्ट में ये चीज लिखी है, या एक्ट ऐसे डिफाइन करती है, तो वैसे ही आपको डिफाइन करना है. तो जितना पॉसिबल हो लैंग्वेज ऑफ लॉ आप यूज करें. हाँ, जब प्रोविजन या केस स्टडी आती है और आप बता रहे हो कि हाँ एक्ट में ऐसा लिखा है, तो इट्स थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन चलता है. और ऐसा नहीं है कि आप गलत प्रोविजन लिखोगे या सही प्रोविजन लिखोगे और अपने शब्दों में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. मिलेंगे, बट डेफिनेशंस के केस में स्पेशली आपको लॉ की लैंग्वेज को ऑल्टर नहीं करना है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन के केस में कोट द सेक्शन नंबर, एक्ट का नाम पॉइंट्स में लिखो, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. अब बारी आती है केस स्टडी की. केस स्टडी जब भी आप आंसर करोगे तो तीन पार्ट्स में आंसर करोगे. केस स्टडी या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हम तीन पार्ट्स में आंसर करेंगे. पहला, प्रोविजन, that is what the provision says. Second, situation, what the given situation is. पहले आपने ये बताया कि law ये कहता है. Second, आपने क्या explain किया? कि current situation जो आपने दी है वो ये है, और इसके according मेरा judgment या मेरा conclusion ये है. Conclusion और जजमेंट, दैट इज योर कंटेंशन, योर डिसीजन. इज इट क्लियर?
तो तीन पार्ट्स में आपको आंसर करनी है, केस स्टडी जब भी आपको आती है तब। अब देखो, आपको लॉ का पेपर मिला, क्या पहले अटेम्प्ट करें क्या बाद में करें? वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो जो डायरेक्ट हैं एंड यू नो देम, जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, यू आर वेरी श्योर कि अरे ये प्रोविजन तो मुझे ऐसे ही याद है। तो वो क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, अवॉइड केस स्टडीज, डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, एंड दैट टू वो क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से पता है, एंड अटेम्प्ट 100% पेपर। कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, कहानियां नहीं लिखनी है, पर छोड़ के नहीं आना है। वट एवर मे बी कुछ गिवन चीजें हैं, कुछ उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत प्रोविजन दिमाग में आ रहा है तो वो प्रोविजन लिख दो, बट छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। एंड ये सारे क्वेश्चन आपको कब करने हैं? लास्ट में। पहले जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आप वो अटेम्प्ट करो, प्रिफरेबली डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन दी केस स्टडी, बिकॉज केस स्टडी में कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि कुछ गलत हो सकता है। प्रोविजन में क्या है, पूरा पूरा लिख दिया, फुल फुल मार्क्स मिलते गए, अच्छे से प्रेजेंट करो। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन।